अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे डैट इज़ अबाउट सेंसरी एग्जामिनेशन। ठीक है, सेंसरी एग्जामिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो है वो डर्माटोम्स के ऊपर सेंसेशंस को चेक करते हैं। ठीक है, दो तरह की हम सेंसेशंस चेक करेंगे सेंसरी एग्जामिनेशन के अंदर, एक है सुपरफिशियल सेंसेशंस और दूसरी है डीप सेंसेशन। सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि सुपरफिशियल सेंसेशंस को हम किस तरह चेक करते हैं। सुपरफिशियल सेंसेशन के अंदर हम चेक करेंगे पेन को, हम इसमें चेक करेंगे फाइन टच को, उसके बाद हम इसके अंदर चेक करेंगे क्रूड टच को, और लास्ट में हम चेक करेंगे टेम्परेचर को। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे सेंसेशंस को तमाम या इन सब चीज़ों को तमाम डर्माटोम्स के ऊपर चेक करेंगे और उसके बाद नॉर्मल से इसको कंपेयर कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम फाइन टच की किस तरह एग्जामिनेशन करेंगे। इसमें आप कॉटन ले सकते हैं, ठीक है, या वूल ले सकते हैं। अब आपने क्या करना है, पेशेंट को कहना है कि वो अपनी आइज को कर ले क्लोज। ठीक है, उसके बाद आपने पेशेंट की स्किन के ऊपर जो है वो कॉटन से टच करना है। ठीक है, और उसे कहना है कि पेशेंट से कि वो काउंट करके बताए कि मैंने कितनी दफ़ा आपकी स्किन के ऊपर जो है वो टच किया है, कितनी दफ़ा आपको सेंसेशन फील हुई है। नेक्स्ट आ जाता है क्रूड टच। क्रूड टच को हम किस तरह चेक करते हैं, क्रूड टच को हम चेक करते हैं अपनी टिप ऑफ फिंगर से। ठीक है, टिप ऑफ फिंगर से हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, पेशेंट से पूछते हैं कि कितनी दफ़ा उसने फील किया है। ठीक है, पेन को हम किस तरह चेक करेंगे, पेन के लिए हम पेशेंट को टच करते हैं किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से। ठीक है, कोई भी हम स्टीराइल इंजेक्शन नीडल ले सकते हैं, उससे पेशेंट को टच करेंगे और उससे पूछेंगे कि कितनी दफ़ा उसको जो है वो पेन फील हुई है। ठीक है, और आपने याद रखना है कि पेशेंट जो है कभी कभी गैस भी कर रहा होता है, तो फिर आपने ध्यान रखना है कि पेशेंट जो है वो गैस ना कर रहा हो। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें दो टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं। ठीक है, उनमें से जो एक टेस्ट ट्यूब होती है उसके अंदर हॉट वाटर होता है और एक के अंदर कोल्ड वाटर होता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि दोनों को बारी बारी टच करते हैं पेशेंट की बॉडी के ऊपर, उससे पूछते हैं कि उसको ठंडा फील हुआ है या गर्म फील हुआ है, इस तरह हम उसकी सेंसेशंस को चेक कर सकते हैं। अब हम सेकंड नंबर पे बात करेंगे कि डीप सेंसेशंस को हम किस तरह असेस कर सकते हैं। ठीक है, डीप सेंसेस के अंदर हम किन किन चीज़ों को असेस करते हैं। सबसे पहले हम असेस करते हैं वाइब्रेशन को, उसके बाद हम असेस करते हैं प्रेशर को, फिर हम इसके अंदर असेस करते हैं जॉइंट पोजीशन सेंस को, और लास्ट पे डीप सेंसेस के अंदर हमारे पास आ जाता है जॉइंट काइनेस्थेटिक सेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेशर को हम किस चीज़ से चेक कर सकते हैं। प्रेशर के लिए हम पेशेंट की बॉडी के ऊपर थंब या फिंगर से अप्लाई करते हैं प्रेशर। ठीक है, किसी भी जगह पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं थंब से या फिंगर से। ठीक है, और पेशेंट से कहते हैं कि वो हमें रिस्पोंड करे बाय सेइंग यस और नो। अगर उसे स्टिमुलस फील हो रहा है तो वो यस कहे, और अगर उसको स्टिमुलस फील नहीं हो रहा तो वो नो कह के रिस्पॉन्स शो करे। और हमने इस बात का ख्याल रखना है कि पेशेंट गैस ना कर रहा हो। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आप क्या कर सकते हैं, आप ऑन एंड ऑफ स्टिमुलस दे सकते हैं। ठीक है, कभी प्रेस कर दिया, प्रेशर दे दिया, कभी नहीं दिया, जैसे पीछे भी मैंने आपको बताया था, कभी कॉटन से उसको टच कर दिया, कभी नहीं किया। ठीक है, तो ऑन एंड ऑफ जो आप स्टिमुलस दे सकते हैं ये चेक करने के लिए कि पेशेंट गैस तो नहीं कर रहा। नेक्स्ट आ जाता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के लिए हमने क्या करना है, हमने 128 हर्ट्ज का एक ट्यूनिंग फोक लेना है। ठीक है, वो वाइब्रेटिंग भी हो सकता है, नॉन वाइब्रेटिंग भी हो सकता है, हमारी मर्ज़ी है। उसके बाद हमने उसे पेशेंट के बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर रखना है। ठीक है, और पेशेंट से कहना है कि हमें बताए कि जो ट्यूनिंग फोक था वो वाइब्रेटिंग था या नहीं था। ठीक है, इससे पता चल जाता है कि पेशेंट जो है उसकी वाइब्रेशंस कैसी हैं, उसका रिस्पॉन्स कैसा आता है। नेक्स्ट जो जॉइंट पोजीशन सेंसर, जो जॉइंट काइनेस्थेटिक सेंसर, दोनों को तकरीबन हम एक ही तरीके से एग्जामिन कर सकते हैं। हमने इसमें क्या करना है, पैसिवली जो है पेशेंट का लिम मूव करना है। ठीक है, पैसिवली हमने जो है पेशेंट की कोई भी पोजीशन बनवा देनी है, फॉर एग्जांपल हम उसका हाथ ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसे क्या कहते हैं कि जो मतलब ये दूसरे हाथ की पोजीशन मैंने बनाई है, इसे इस पोजीशन को या तो वर्बली एक्सप्लेन करो, बोल के बताओ। ठीक है, या फिर जो दूसरा हाथ है कॉन्ट्रालेटरल हाथ है उससे इस पोजीशन सेम ऐसी पोजीशन मुझे बनाकर दिखाओ। ठीक है, दोनों में हम यही टेस्ट जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, इससे हमें जो है पेशेंट की अवेयरनेस ऑफ मूवमेंट का पता चल जाता है जॉइंट काइनेस्थेटिक सेंस के अंदर। ठीक है, थर्ड पे और लास्ट पे हमारे पास आ जाती हैं कोर्टिकल सेंसेशंस। ठीक है, कोर्टिकल सेंसेशंस में हम तीन चीज़ों को चेक करते हैं, पहले है टैक्टाइल लोकलाइजेशन, फिर है टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, और लास्ट पे है स्टीरोग्नेसिस। ठीक है, टैक्टाइल लोकलाइजेशन होती क्या है, टैक्टाइल लोकलाइजेशन ये होती है कि जो पेशेंट है वो एग्जैक्टली उस पॉइंट को लोकेट कर सके जहाँ पे एग्जामिनर ने टच किया है। ठीक है, या
प्रिक किया है, ठीक है, एग्जैक्टली उस पॉइंट को वो टच करके बता सके कि इस जगह पे इसने मुझे टच किया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पेशेंट की आइज़ क्लोज करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो एग्जामिनर उसको कहीं पे भी टच करता है, उसके बाद हम पेशेंट से कहते हैं कि वो अपनी इंडेक्स फिंगर से एग्जैक्टली उस जगह पे टच करके बताए कि यहाँ पे मुझे स्टिमुलस फील हुआ है, इसे हम कहते हैं टैक्टाइल लोकलाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन हमारे पास दो स्टिमुलाई के दरमियान में स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है, और उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि जो दोनों स्टिमुलाई हैं वो एक ही कंसीडर होते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम पेपर पिंस लेते हैं विद ब्लंट एंड्स, ठीक है, जिसके शार्प एंड्स हों, या हम टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेटर ही यूज़ करते हैं, और हम क्या करते हैं कि इस डिवाइस के दोनों एंड्स को पेशेंट की स्किन के साथ इकट्ठा अटैच कर देते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके इन दोनों एंड्स या इन दोनों टिप्स के दरमियान डिस्टेंस को कम करते जाते हैं, इतना कम कर देते हैं कि ये दोनों एंड पे आके एक ही स्टिमुलाई कंसीडर होने लग जाते हैं। और उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेजर कर लेना होता है जिसके ऊपर ये दोनों टिप्स जो हैं वो अभी तक सेपरेट कंसीडर हो रही होती हैं, ठीक है। पेशेंट कह रहा था कि मुझे ये सेपरेट ही नज़र आ रही होती है, हमने वो स्मॉलेस्ट पॉइंट जो है वो नोट डाउन कर लेना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टीरोग्नोसिस। स्टीरोग्नोसिस क्या होता है, स्टीरोग्नोसिस किसी भी पेशेंट की वो एबिलिटी है जिससे क्या होता है वो टैक्टाइल सेंसेशंस जो होती है ना हैंड की, उनको यूज़ करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है कि ये क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने पेशेंट की आइज़ क्लोज करवा देनी है इस केस में, और हमने उसके हाथ में कॉइन या पेन पकड़ा देना, ठीक है। उसने फिर क्या करना है, उसको अपने हाथों की मदद से मॉडिफाई करके आइडेंटिफाई करना है कि उसके हाथ में कौन सी चीज़ है, ठीक है। मीन्स स्टीरोग्नोसिस क्या है कि इसमें जो है पेशेंट अपने हाथ की मदद से जो ऑब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है उसके हाथ में।